हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। सो हमारी एक सीरीज़ चल रही है जो है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को लर्न करने की ट्रिक की हमारी सीरीज़ है, जिसमें हम 100 एलिमेंट्स अब तक कवर कर चुके हैं और हमारे सिर्फ 18 एलिमेंट्स पेंडिंग है, जिसको हमने दो वीडियो में डिवाइड किया है। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 101 से 110 एलिमेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारे पास 101 से 110 एलिमेंट्स के लिए एटॉमिक मास को लर्न करने की ट्रिक, जिसमें हमारे पास यहाँ पे 10 एलिमेंट्स है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, और अब हम देखते हैं कि एटॉमिक मास कैसे लर्न करें। तो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा, वही सेम स्लॉट्स बनाएंगे। तो यहाँ पे भी स्लॉट्स बनेंगे, यहाँ पे तीन स्लॉट बनेंगे, 25, 26 एंड 27। तो स्लॉट कैसे बनेंगे, सबसे पहले हमारे दो बार 25, दो का डबल 4, 26, 1, 2, 3 एंड 4। उसके बाद यहाँ पे 6, तो 4 हमारे हो गए 26 के। उसके बाद हमारा रहेगा 1, 1, 1, 1 का रेशो, मीन्स 26, 27, 26 एंड 27। तो ये हो गए हमारे 4 स्लॉट्स। स्लॉट्स हमने कहाँ से शुरू किए, 25 से, 2, 4, 1, 1, 1, 1। यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमारे स्लॉट हो गए, अब हमने क्या करना है, थर्ड डिजिट बतानी है। तो देखिए यहाँ पे हमारा एंड कहाँ पे हो रहा है, 7 से स्टार्ट हम करेंगे, 7 के बाद एक नंबर 8, 8 के बाद 9। यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एक स्लॉट खत्म। अब इस स्लॉट को हम पूरा एक भी कंसिडर करके चल सकते हैं, तो हमारे पास 2, 4 और 4 के स्लॉट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब अगले स्टेप पे चलते हैं। हमारे पास जो पहला स्लॉट है वो दूसरे पे डिपेंडेंट है, दूसरा स्लॉट तीसरे पे, मींस पहले स्लॉट में कितने एलिमेंट हैं, 2। तो यहाँ पे जो स्लॉट की स्टार्टिंग होगी 2 से होगी, ऐसे ही इसके लिए दूसरे वाला स्लॉट में कितने एलिमेंट है, 4, तो इसकी स्टार्टिंग किससे होगी, 4 से। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाले एलिमेंट बचे हैं, जिसमें क्या है, हमारे पास 4 हमारा आ चुका है, 4 के ऊपर 3 बचे हैं, 4 के नीचे 3 बचे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस 4 को सेंटर पॉइंट मान के चले, इक्वली ऊपर बढ़े इक्वली नीचे बढ़े, तो क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट 1, 1। अब हम करेंगे सेकंड एलिमेंट क्या करेंगे, सेकंड एलिमेंट पे ऊपर 4 का हाफ 2, नीचे 4 का डबल 8। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में 8 से कैसे चलेंगे, 8 से पहले क्या आता है, 7, 7 से पहले क्या आता है, 6। अब हमारे यहाँ पे सभी कवर हो गए। एक बार रिपीट करते हैं, सबसे पहले हम स्लॉट में डिवाइड करेंगे, स्लॉट बने हमारे 25 25, 4 times 26, देन 26 27 26 27। तो हमने तीन स्लॉट बना लिए 2, 4 एंड 4 के। उसके बाद हम थर्ड डिजिट पे चलते हैं। थर्ड डिजिट कैसे याद रखेंगे, एंडिंग हमारी हो रही थी 7 पे, स्टार्ट हमने किया 8 से, 8 के बाद 9। यहाँ पे हमारे 25 वाला स्लॉट कंप्लीट होता है। 26 वाले स्लॉट के लिए अब इसमें क्या करेंगे, ऊपर वाले स्लॉट में जितने एलिमेंट होंगे, अगले वाले स्लॉट का जो स्टार्ट होगा वो उतने ही एलिमेंट से होगा। यहाँ पे कितने हैं, 2, तो हमने यहाँ लिख दिया 2। यहाँ पे कितने हैं इस स्लॉट में, 4, तो इस स्लॉट की स्टार्टिंग किससे करी हमने, 4 से। अब हमारे पास ये कवर हो गए, अब हमारे पास 3 ये बचे, 3 ये बचे, इसीलिए हमने 4 को क्या ले लिया, सेंटर पॉइंट। इक्वली हम ऊपर चलेंगे, इक्वली हम नीचे चलेंगे। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, पहला और पहला एलिमेंट 1 एंड 1, 1 एंड 1। सेकंड में क्या करेंगे, 4 का हाफ 2, 4 का डबल 8। इसके बाद क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, 8 से पहले 7, 7 से पहले 6। तो यहाँ पे हमारी 101 से लेके 110 एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक फिनिश होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको वीडियो कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।